रोज रोज एक जैसा नाश्ता खा खा के जब बोर हो जाएं और कुछ नया खाने का मन करे, उस टाइम पे आप बनाए चावल के आटे का बहुत ही टेस्टी चटपटा लाजवाब सा नाश्ता, जिसे आप झटपट बना के तैयार कर सकते हैं और खाने में इतना टेस्टी कि अगर आपने एक बार बना लिया तो घर में बच्चे और बड़े आपसे बार बार बनाने की जिद करेंगे। और ये देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया देखने में, एक मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए आ रही है ना कितनी बढ़िया आवाज़, बाहर से क्रिस्पी और एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आज मैंने इसे टोमेटो सॉस के साथ में सर्व किया है, आप चाहें तो हरी चटनी दही किसी के भी साथ में सर्व कर सकते हैं या फिर सादा भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चावल के आटे का बहुत ही टेस्टी लाजवाब सा नाश्ता। इस नाश्ते को बनाने के लिए मेजरिंग कप से एक कप मैंने लिया है चावल का आटा, एक मैंने लिया था मीडियम साइज का आलू, आलू को मैंने कद्दूकस करके लिया है। और जब भी आलू को आप कद्दूकस करें तो पानी में ही करें, इससे आलू आपके काले नहीं पड़ेंगे। हाफ मैंने गाजर ली थी, गाजर को एकदम फाइन चॉप करके लिया है। हाफ शिमला मिर्च ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, अगर आपके पास दही नहीं हो तो दही को आप स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, तीखा चटपटा इससे नाश्ता बनके तैयार होगा। आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं या फिर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो प्याज भी इसमें बारीक कट करके डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसका हम बैटर तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका गाढ़ा बैटर बना के तैयार करना है आपको। स्टार्टिंग में आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाऊंगी कि किस तरीके का बैटर आपको बना के तैयार करना है। इसका हमने बैटर तैयार कर लिया है और ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर के। इस पूरे बैटर को बनाने में मैंने 1 कप पानी का यूज़ किया। तो चलते हैं हम गैस की तरफ, गैस के ऊपर मैंने रखी है कढ़ाई, कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 चम्मच राई डालेंगे, अच्छे से चटकने देना है आपको राई को। राई भी हमारी अच्छे से चटक चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने बैटर तैयार किया है। गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है, अब इसे हमें लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाता। गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है और लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे, लगातार आपको इसे चलाना ज़रूर है। और 3 से 4 मिनट के अंदर ये एक डो की तरह तैयार हो जाता है। इसमें हमने कढ़ाई में पहले ही ऑयल डाल दिया था तो ये देखिए कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए डो भी हमारा एकदम तैयार है। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। चावल के डो को हमने इस प्लेट में निकाल लिया है तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको इसे इतना ठंडा करना है कि आप इसे इजीली टच कर पाएँ। 2 मिनट हो गए हैं और ये आटा भी हमारा हल्का ठंडा हो गया है, तब हाथों में मैंने लिया थोड़ा सा ऑयल, अच्छे से मिक्स करेंगे और आटे को हमें अच्छे से मसल मसल के डो की तरह तैयार करना है। और अभी ये हल्का गुनगुना है तभी आपको इसे एक डो की तरह तैयार करना है। इसे हमने एक डो की तरह तैयार कर लिया है तो इसकी एक साइज़ की 2 बॉल्स बना लेंगे, हाफ ऑफ कर लेंगे इसके पार्ट्स हम, और 1 बॉल को ले लेंगे और बाकी आटे को साइड में रख देंगे। अब ये मैंने लिया है चकरा, चकरे को ऑयल से ग्रीस कर देंगे जिससे कि डो चकरे में चिपकेगा नहीं। आप चाहें तो सूखा आटा भी डस्ट कर सकते हैं ऑयल की जगह पे। अब ये जो हमने बॉल ली है बड़े साइज़ के, इसे इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से आपको इसे बढ़ाते जाना है। आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं, ये देखिए सब तरफ से बराबर हम इसे दबाते हुए फैलाएंगे और हल्का मोटा ही हमें इसे बना के तैयार करना है। इसे हमने एक बड़ी सी रोटी के साइज में बना के तैयार कर लिया और ये देखिए इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। अब इसे हम साइड कॉर्नर पहले कट कर देंगे, साइड का जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे वापस से डो के साथ में मिक्स कर देंगे। अब इसे हम स्क्वायर शेप में कट करेंगे तो 20 से 20 में कट लगा दूंगी मैं, आप चाहें तो इसकी गोल गोल टिक्कियां भी कट कर सकते हैं। इस साइड से भी कट कर देंगे,
इसे आप अपने पसंद के किसी भी शेप या साइज में कट करके तैयार कर सकते हैं। इस नाश्ते को इसे हमने कट कर लिया तो एक पीस में आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए साइड से देखिए कितना बढ़िया कट हुआ है हमारा नाश्ता, लग रहा है ना कितना बढ़िया देखने में। तो इसे प्लेट में रख लेंगे और ऐसे ही अपने बाकी बचे हुए नाश्ते को भी बना के तैयार कर लेंगे। पहले सभी नाश्ते को हमने बना के तैयार कर लिया है, तो आज मैं इसे सेलो फ्राई करने वाली हूँ और अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगली प्रोसेस की तरफ। अब गैस के ऊपर मैंने रखा है पैन, पैन में एक बड़े चम्मच भर के ऑयल डाला है और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तब इसमें हम एक एक करके नाश्ते को रखेंगे और गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है ये नाश्ते को सेलो फ्राई करते समय। एक बार में जितने आएंगे उतने ही रख के फ्राई करना है। अब नाश्ते को हमें एक साइड से हल्का गोल्डन कलर आने तक ऐसे ही फ्राई होने देना है, उसके बाद ही पलटाएंगे हम इसे। एक बार पलटा देंगे सभी का और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हल्का गोल्डन। ऐसे ही सभी को पलटा देंगे और दूसरे साइड से भी नाश्ते को हम गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे। और ये देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया लुकवाइज देखने में नाश्ता हमारा। नाश्ते को हमने दूसरे साइड से भी हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है, तो अब निकाल लेंगे सभी को हम। और बाकी बचे हुए नाश्ते को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। चावल के आटे का बहुत ही टेस्टी चटपटा सा नाश्ता तैयार है, तो एक बार रेसिपी को ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।